इस वीडियो में नाभिक के तीन मूलभूत कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको याद रखना बड़ा कठिन होता है, इसलिए मैं इनको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, जिससे कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ट्रिक को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम ट्रिक आपको बताते हैं। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ट्रिक है आपकी ईंट पर नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खोज की थी थॉमसन ने, और पर यानी पी से आता है प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन और पैसे, पैसे हो जाएगा प्रोटॉन। पैसे प्रोटॉन और रे से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ने से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। तो ये हमारे आ गए परमाणु के तीन मूलभूत कणों के खोजकर्ता, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आपके सब्सक्राइब करने से यह वीडियो किसी दूसरे के पास पहुँचेगा। किसी और ने जब सब्सक्राइब किया तभी आपके पास में यह वीडियो आया, इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ट्रिक याद रखना, ईंट पर नाच, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे।